हम इस वक्त मौजूद हैं गुलमर्ग गंडोला में, जो हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा गंडोला माना जाता है। हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए मौजूद हैं फियाज अहमद भट्ट साहब, जो असिस्टेंट मैनेजर हैं गुलमर्ग गंडोला के। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये गंडोला कब शुरू हुआ था और कितनी लेंथ और कितनी हाइट पर लेकर जाता है। सर, ये गंडोला हमने इस गंडोला पे काम शुरू हुआ था 1987-88 में शुरू हुआ था ये काम। तो फर्स्ट फेज से, तो फर्स्ट फेज़ 1989 में कंप्लीट हुआ था, लेकिन फिर टर्माइल की वजह से ये सब बंद ही रहा 1998 तक, ऑलमोस्ट 10 इयर्स बंद ही रहा। तो उसके बाद 98 से हमने इसको कमर्शियली ओपन किया, 98 से चल ही रहा है वो, तो तब से तो चल ही रहा। लेकिन सेकंड फेज़ में 50% काम तो हुआ था उस समय, 1989 की बात करते हैं, उसमें काम हुआ था। फिर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया 2004 में कि नहीं, इस पर हम आगे, क्योंकि इसका इक्विपमेंट आया था यहाँ पे ऑलरेडी, तो हमने 2004 में इसका काम फिर से शुरू किया विद हेल्प ऑफ जो हमारे यहाँ ONM, हमारी जो कंपनी है पोमा गल्स की, उनके वसादत से। तो हमने 2004 में इस पर काम शुरू किया। 2005 में हमने इसको भी इनॉग्रेट किया, ये 2005 से चल तब से ये भी चल रहा है। 2005 से हमारा सेकंड फेज़ भी चल रहा है। फर्स्ट फेज़ की लेंथ जो है वो मैंने आपको बताया कि 2.4 किलोमीटर्स है ऑल्टीट्यूड ऑफ से कोंगडोरी, क्योंकि ये दो सेक्शंस में है हमारा जो गंडोला, ये दो सेक्शंस में है। फर्स्ट सेक्शन गुलमर्ग से कोंगडोरी और दूसरा सेक्शन कोंगडोरी से अफरवर तक। फर्स्ट सेक्शन जो मैं उसमें ऑल्टीट्यूड मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट सेक्शन में जो हमारी कैपेसिटी है, पैसेंजर कैपेसिटी 1500 पैसेंजर्स पर आवर कैपेसिटी है हमारी, और 72 कैबिन्स हैं हमारे लगे हुए हैं फर्स्ट सेक्शन में। सेकंड सेक्शन में हमारे 34 कैबिन्स हैं, और इसके इस सेक्शन की जो लेंथ है ये 2.6 किलोमीटर्स हैं, और इसमें 34 कैबिन्स हैं, और इसमें कैपेसिटी है 600 पैसेंजर्स पर आवर। तो आज चूँकि आपको तो पता है कि लास्ट ईयर जो एब्रोगेशन ऑफ 370, तब से तो फिर टूरिज्म थोड़ा डाउन हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर कोशिश की यहाँ पे वो खेलो इंडिया की तरफ से कि ताकि कुछ टूरिज्म बढ़े, टूरिज्म बढ़ भी गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कोविड की वजह से फिर यहाँ पे एक बार फिर रोक लग गई टूरिज्म पे। लेकिन फिर हाल ही में क्योंकि अनलॉक जो शुरू हो गए हैं यहाँ पे, तो अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 में एक बार फिर हमारे वर्ल्ड टूरिज्म डे पे हमारा एक ऑर्डर आया कि नहीं जी, अब टूरिज्म को खुलना चाहिए। तो उसमें हमने फर्स्ट फेज़ को खोल दिया है 27 सितंबर को, तो हमने खोल दिया। तो फर्स्ट फेज़ 27 सितंबर को हमने खोल दिया, उसके बाद तो वीकेंड्स पे हमने शुरू किया था। लेकिन फिर 3 अक्टूबर से फर्स्ट फेज़ जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है टूरिस्टों के लिए, और उसके बाद तुरंत बाद हमारे MD साहब ने कहा कि नहीं, सेकंड फेज़ इंक्वायरीज आती थी कि हमें सेकंड फेज़ को भी सवारी मिलनी चाहिए, तो ये चल ही रहे हैं, तो तब से चल रहा है। सर, कोविड के दौरान अब जब अनलॉक में ये खुला है, तो क्या किस तरीके से SOPs का पालन होता है, क्या क्या उसमें सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं? सर, हमारी पूरी गाइडलाइंस जो हमारे जो MD साहब हैं मिस्टर द्राबू, वो इस बारे में पूरी मॉनिटर करते हैं कि उनका ये है कि ये हमारा जो यहाँ पर व्यवहार होना चाहिए, ये होना चाहिए फ्रेंडली, टूरिस्ट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए। और जहाँ तक SOPs का सवाल है, वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। SOPs में हम ये कर रहे हैं कि हम फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का हम ख्याल रखें, सैनिटाइजर हम यूज़ करें, और हर एक कैबिन को जो वहाँ से पैसेंजर जब आता है, उसके बाद जो ही उतरता है तो उसको फिर सैनिटाइज करते हैं, पैसेंजर को बैठने से पहले उसमें सैनिटाइजिंग करते हैं। और क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है, हमारे जो पास कैबिन्स हैं, इनमें 6 पर्सन्स कैन सिट इन द कैबिन्स, तो हम मैक्सिमम इसमें 3 पर्सन्स को, बिकॉज कीपिंग इन द सोशल डिस्टेंसिंग जो हम मेंटेन कर रहे हैं, तीन पर्सन्स को, बिलो लेस देन 3 पर्सन्स कैन सिट, ताकि वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे। और वी आर टेकिंग यू नो वट एवर द गाइडलाइंस आर वी हैव बीन गिवन, वी आर फॉलोइंग दिस गाइडलाइंस, तो जो COVID-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं उस पर हम पूरी तरीके से अमल कर रहे हैं। सर, क्योंकि गुलमर्ग जो है वो एक स्कीज रिजॉर्ट है, तो स्कीइंग के मद्देनज़र किस तरह की यहाँ पर चीज़ें अरेंज की गई हैं गंडोला? सर, हमारे पास हर साल हमारे पास यहाँ आते हैं स्कीयर्स आते हैं, क्योंकि सेकंड फेज़ जिसमें हम चल ही रहे हैं, सेकंड फेज़,
तो ये सेकंड फेज ऑल ओवर वर्ल्ड मशहूर है कि यहाँ का जो टेरेन है और यहाँ का जो बर्फ़ है, यहाँ पे जो बर्फ़ पड़ती है, पाउडर बर्फ़ होता है, तो पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक दिस माउंटेन एंड लाइक दिस, वो हर साल आते हैं। तो उस सिलसिले में हमारी क्या तैयारी रहती है, हमारे पास एक स्की रेस्क्यू टीम है, स्की पेट्रोलिंग टीम, क्योंकि ये बड़ा पहाड़ है, दिस इज़ अ बिग माउंटेन, तो इसमें एक एक, एक मखसूस हम एरिया को हम जो ग्रीन जोन बनाते हैं ताकि वो उसमें स्कीर जो आराम से स्की करें विदाउट एनी फियर, ताकि उसमें कोई डैमेज वैमेज ना हो, उसके लिए हमारे पास एक स्कीइंग की टीम है, स्की पेट्रोलिंग की टीम है, वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। और हर साल यहाँ पर जो जे एंड के टूरिज़म एक फॉरेन एक्सपर्ट को भी हायर करते हैं 3 महीने के लिए, ताकि वो भी यहाँ पर रहता है, क्योंकि हर जब भी बर्फ़ पड़ती है एवरी डे दे हैव टू गो टू बिफोर ओपन फॉर द स्कीयर्स, उनको जाना पड़ता है मॉर्निंग में 7 बजे के करीब जाते हैं, ताकि पहले वो अपनी रेकी करते हैं पूरे स्लोप को, ताकि कहीं एवलांश ना आ जाए, कुछ आ जाए, और समटाइम्स जब बर्फ़ पड़ती है तो उनको ब्लास्टिंग भी करनी पड़ती है टू मेक दिस जो हमारा जो स्लोप है उसको मतलब ग्रीन जोन बनाने के लिए, विदाउट डेंजर लेस बनाने के लिए। और उसके बाद जो बाकी, क्योंकि ये मैं इतना कहूँगा कि जो हमारा जो माउंटेन है इसलिए ज़्यादा मशहूर है क्योंकि ये खुला माउंटेन है, लोग जो आते हैं वहाँ से आते हैं तो समटाइम्स जो स्कीयर जाते हैं वो हो जाते हैं बैक कंट्री स्कीइंग, दे गो देयर ओन रिस्क, लेकिन वो उनके पास इक्विपमेंट होना चाहिए। हमारी जो स्की पेट्रोलिंग टीम है यहाँ पे जो मौजूद है वो उनको मॉनिटर करती है कि ताकि उनके पास प्रॉपर गियर्स हैं, प्रॉपर गियर्स मीन्स कि उनके पास वो बीपर होना चाहिए, उनके पास वॉकिंग कम्युनिकेशन होना चाहिए, उनके पास वो शॉवल होना चाहिए, और वंस दे गो ऑन द बैक कंट्री स्की दे विल गो इन ग्रुप्स, not a single person can not go alone, they will go in groups and they have to make a full contact with our ski patrol team, we have a base, wo jahan se wo monitor kar rahe hain puri isko pura monitor kar rahe hain, uske liye wo unko sorry unke sath unka monitoring rehti hai din ko, aur unke yahan ke jo local guides hai wo unke sath rehte hain, they are well professional guides, wo unko bhi rehte hain hamare uske liye, और स्कीइंग के लिए हमारे पास है यहाँ पे इक्विपमेंट है, टूरिज्म का इक्विपमेंट है, हमारे पास स्नो बीटिंग मशीन है जो एवरी डे इन द मॉर्निंग में बीट करती है, स्लोप्स को बीट करती है, ताकि ये तो एसओपीज़ है, एसओपीज़ में आता है कि स्कीइंग को जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे बीट करना है उसके लिए हमारे पास जो फॉरेन मशीन है हमारे पास अवेलेबल है। तो आप जो बर्फ़ पड़ी है तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो और बर्फ़ पड़ेगी नवंबर में, एंडिंग नवंबर तक बर्फ़ पड़ेगी, तो वंस वी ओपन दिस स्की रिजॉर्ट एंड उसमें उसके बाद हम बाकी जो उसमें जो एसओपीज़ हैं वो हम फॉलो करेंगे, तो एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। तो अब जो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग द बेस्ट, गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश करें कि जहाँ पे टूरिज़्म को रिवाइव किया जाए, उसमें हमारे जो अभी कमिश्नर सेक्रेटरी जो हैं सरमद हफीज़, वो इससे पहले भी टूरिज़्म के साथ रिलेट रहे हैं, यंग एनर्जेटिक है, हमारे एमडी साहब भी हैं जो यंग एनर्जेटिक है, उनने वो भी कोशिश कर रहे हैं उनके साथ, मुझे लगता है कि उनसे बहुत फ़र्क पड़ेगा कि टूरिज़्म को रिवाइव करने में। हमारे पास यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि बाथरूम्स तो हमने बनाए हैं, हम इससे पहले ही बनाए थे, अब चूँकि हमारे एमडी साहब जो हैं वो कह रहे हैं किसी एक्सपर्ट की टीम को लाएंगे, हमने ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी मसला उठाया था कि हमको जी ज़मीन अलाट करो उसके लिए, तो हम वो एक तो वो इशू है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, तो इसमें आप हम मदद कीजिएगा, तो हम आपकी वसादत से ये कहेंगे कि आप हमारी तरफ से पैसेंजर्स को मैसेज है, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट उसको मैसेज यही रहेगी कि आप आइए, अभी तो बर्फ़ गिरने वाली है और यहाँ पर स्कीइंग के लिए आइए, मतलब बर्फ़ का नज़ारा उठाने के लिए आइए, यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच। ये थे फियाज साहब जिन्होंने टूरिस्ट को ये अपील की है कि ये बर्फ से घिरे हुए पहाड़ अब उन्हें वापस गुलमर्ग की ओर बुला रहे हैं। मैं अमित खजूरिया, जेके न्यूज़ टुडे, गुलमर्ग।